हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज का टॉपिक है हेयर रिबॉन्डिंग। यहाँ पर हमने लोरियल की स्मूथिंग क्रीम ली है, न्यूट्रलाइजर लिया है, यहाँ पर कुछ सेटिंग क्लिप, कॉम और आइकॉनिक की स्ट्रेटिंग मशीन ली है। आपके पास हेयर स्मूथनिंग या हेयर रिबॉन्डिंग करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटिंग मशीन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ड्रायर लिया है, नोवा का है। ये वो हेयर है जिस पर हम हेयर रिबॉन्डिंग करने वाले हैं। हेयर काफ़ी हैवी और रफली हेयर है। इनको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, कोई भी शैम्पू से आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद मैंने इनको ड्रायर किया है, अच्छे से सुखाया है बालों को। हेयर को अच्छे से सुखाने के बाद में मैंने आधे बालों को सेटिंग क्लिप की मदद से लगा दिया है। बाकी के बालों पर जो मैंने पतला नीचे सेक्शन निकाला है उस पर मैं प्रेसिंग कर रही हूँ। अगर आप हेयर रिबॉन्डिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको प्रेसिंग करनी होती है वॉश करने के बाद, और अगर आप स्मूथिंग कर रहे हैं तो इस वाली प्रेसिंग की करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सीधा स्मूथिंग क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। फिर से मैं एक दूसरा सेक्शन निकालूंगी। बाकी के बालों को मैंने फिर से सेटिंग क्लिप की मदद से ऊपर ही लगा दिया है। अब इन वाले बालों में हम हेयर प्रेसिंग करेंगे। अच्छे से हेयर प्रेसिंग करनी है। हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्मूथिंग में हमारी सारी काम ना प्रेसिंग पे ही टिका होता है। आपकी प्रेसिंग जितने अच्छे से होगी उतना ही आपकी हेयर का रिजल्ट आता है, जो भी आप कर रहे हैं स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग। जो बाल हो गए हैं उनको फिर से आगे की तरफ कर दिया। फिर मैं नेक्स्ट सेक्शन निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको पूरे हेयर पर हेयर प्रेसिंग करनी है। यहाँ पर लगभग हमारे पीछे की प्रेसिंग पूरी हो गई है। यहाँ पर हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है हम स्मूथिंग क्रीम का अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अब बालों में सेटिंग क्लिप की मदद से सेक्शन बना लेंगे। कान के आगे वाले भाग को आगे की तरफ ही लगा देंगे, पीछे वाले में हम दो भाग करेंगे। एक पतला सेक्शन पहले मैं निकाल रही हूँ, फिर बाकी के बचे हुए बालों को ऊपर की ही साइड लगा दूंगी इस तरह से। अब जो क्रीम की एप्लीकेशन करने के लिए हमें सेक्शन निकालना है वो पतला पतला सेक्शन ही निकालें, ज़्यादा मोटे सेक्शन में क्रीम की एप्लीकेशन ना करें। यहाँ पर मैंने लोरियल की स्मूथिंग क्रीम ली है, उसको एक बाउल में निकाल लेंगे हम। फिर यहाँ पर हम एप्लीकेशन करना शुरू करेंगे। जो हमने अपना पतला सेक्शन निकाला था उस पर इस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, ऊपर से जो हमारी रूट होती है उससे आधा इंच छोड़कर। हमें बिल्कुल जड़ों में नहीं लगानी होती है स्मूथिंग क्रीम, इस तरह से आधा इंच छोड़ लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से मसाज करते हुए पूरे बालों में अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे, ताकि हमारे पूरे बालों में अच्छे से स्मूथनिंग क्रीम लग जाए। फिर से देख लीजिए, मैं ऊपर से आधा इंच छोड़ रही हूँ, उसके बाद मैं स्मूथनिंग क्रीम को इस तरह से अपनी फिंगर के बीच में, बस इस तरह से ही अपने फिंगरों के बीच में रखकर बालों को अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन अच्छे से करें।
क्रीम की क्वांटिटी भी कम ना रखें, अच्छे से ही क्रीम लगाएं ताकि अच्छे से पूरे बालों में क्रीम लग जाए। बस इसी तरह से हमें पूरे बालों में एप्लीकेशन करनी है। इस तरह से फिर कॉम करते हुए इस तरह से बैक पर बालों को बिल्कुल स्ट्रेट चिपकाना है। फिर से यहाँ पर मैंने अपना दूसरा सेक्शन निकाल लिया है। इस तरह से ही मैं सारे ही बालों पर एप्लीकेशन करूंगी। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको 20 मिनट्स बाद चेक करेंगे। यहाँ पर 25 मिनट्स बाद मैं दोबारा से चेक कर रही हूँ। देखो, मैं इस तरह से बाल को खींच कर देख रही हूँ और वो इस तरह से छल्ले टाइप जो बन रहा है, अगर इस तरह से आपके बाल हो रहे हैं तो उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। देखो, इस तरह से अगर वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस तरह से अगर वो छल्ले टाइप बन रहा है, खींचने पर रबड़ की तरह खींच रहा है। इसके बाद हमने बालों को वॉश किया है। वॉश करने के बाद में बालों को अच्छे से टॉवल से डैप करके पूछा है। फिर यहाँ पर हम कॉम करेंगे, हल्के हाथों से ही कॉम करना है। इसके बाद मैंने ड्रायर किया है। ड्रायर को 10 से 15 मिनट ठंडी हवा पर ही चलाएंगे, उसके बाद हम गर्म हवा पर ड्राई करेंगे बालों को। ड्राई करने के बाद यहाँ पर हम फिर से प्रेसिंग करेंगे। प्रेसिंग करने के लिए पहले हमने बालों को सेक्शन में कर लिया है। यहाँ पर ये वाली प्रेसिंग हमें बहुत ही अच्छे से करनी है, बहुत ही पतला सेक्शन लेकर प्रेसिंग करनी है। जितना भी हो सके आप पतला सेक्शन ले और पतले सेक्शन में ही प्रेसिंग करें। कम से कम एक लेयर में 7-8 बार आप प्रेसिंग मशीन को निकालें। इस तरह से आप हाफ हाफ करके भी प्रेसिंग कर सकते हैं। पहले आप आधे बालों को कर लीजिए, फिर नीचे से बालों को कर लीजिए इस तरह से। यहाँ पर प्रेसिंग हम बहुत ही अच्छे से करनी होती है। जितनी अच्छे से आप प्रेसिंग करोगे, आपकी स्मूथिंग या रिबॉन्डिंग का रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। Thank you.
देख ही सकते हैं यहाँ पर मेरी पीछे की प्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं कान से आगे वाले बालों में प्रेसिंग कर रही हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर प्रेसिंग करनी है कान को बचाकर। अब हमारी प्रेसिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है हम न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन करेंगे। न्यूट्रलाइज़र को यहाँ पर मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। उसी तरह से हम फिर से अपने बालों की पार्टिंग कर लेंगे। जिस तरह से हमने स्मूथिंग क्रीम की एप्लीकेशन की थी उसी तरह से हमें अब न्यूट्रलाइजर की भी एप्लीकेशन करनी है। न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन के लिए आप थोड़ा सा सेक्शन मोटर ले सकते हैं। इस तरह से ही मसाज करते हुए अपने हेयर को अपनी फिंगर में फंसाकर इस तरह से ही मसाज करते हुए हमें एप्लीकेशन करनी है। यहाँ पर भी हम न्यूट्रलाइजर की एप्लीकेशन पूरे हेयर में करेंगे। ड्राई करने के बाद ये हमारा रिबॉन्डिंग का रिजल्ट है। यहाँ पर लास्ट में भी हमें एक प्रेसिंग और करनी है। वो आप पतला मोटा मोटा सेक्शन लेके प्रेसिंग कर सकते हैं। इससे हमारी स्ट्रेटिंग का रिजल्ट और भी अच्छा आ जाता है। और अगर आप ना भी करना चाहें तो भी चल जाएगा, बट मैं तो चाहती हूँ आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप देख ही सकते हैं हमारे हेयर रिबॉन्डिंग का रिजल्ट कितना अच्छा आया है। एक एक बाल अलग हो गया है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।